दो दुकानों में लगी आग, सामान हुआ जलकर राख। बोकारो जिले के IEL थाना क्षेत्र अंतर्गत बारूद कारखाना गेट के निकट बीती देर रात दो दुकानों में आग लग गई, जिसके कारण दुकानों में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा सकी। वहीं आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि यदि जल्द आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बगल की कई दुकान इसकी चपेट में आ जाते। इस संबंध में दुकानदार मनोज कुमार केवट और राजेंद्र चौरसिया ने बताया कि वे अपने अपने दुकान रात में बंद कर घर चले गए थे। लगभग 4 बजे अल सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि उनके दुकान में आग लग गई है। आनन फानन में दुकान पर पहुंचे तो देखा कि पूरे दुकान में आग लहलहा रही है, जिससे दुकान में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए थे। राजेंद्र चौरसिया ने बताया था कि उनका पान की गुमटी थी, जिसमें वह सभी तरह के सामानों की बिक्री करते थे। वे रोजमर्रा के सभी तरह के सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बिस्किट एवं अन्य जरूरत के सामान बेचा करते थे। उन्होंने बताया कि लगभग 1.25 लाख रुपए का सामान था जो जलकर खाक हो गया। इसी प्रकार मनोज कुमार केवट ने बताया कि उनकी सब्जी की दुकान थी, जहां 25 बोरा आलू, 20 बोरा प्याज सहित अदरक, लहसुन, मिर्च और हरी सब्जी रखी हुई थी, जो जलकर खाक हो गया। उन्होंने बताया कि रविवार को IEL बाजार में बेचने के लिए उद्देश्य से सब्जी लाकर रखा था। आग लगने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। घटना के संबंध में बताया गया है कि ओरिका बारूद कंपनी के सुरक्षा गार्ड अमित कुमार ने देखा कि सामने दुकान पर आग की लपटें तेजी से जल रही है। उन्होंने तुरंत कंपनी के पेट्रोलिंग पार्टी और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आग पूरी तरह से दोनों दुकानों को अपने चपेट में ले चुकी थी। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। BNB न्यूज़ के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट।